नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ एक बार हम लोग फिर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। आपको बताएंगे कि दिन भर दोनों प्रदेशों में कौन कौन सी बड़ी खबर रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मौसम बिगड़ने की आशंका है। छत्तीसगढ़ में हुआ यह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। अब येलो अलर्ट में होता क्या कि आपको सावधान रहने की चेतावनी दी जाती है कि आप सावधान रहिएगा, मौसम खराब से बहुत खराब तक हो सकता है। कहना यह है मौसम विभाग का कि यहां पर दो अलग अलग मौसम के क्लस्टर बन रहे हैं और अगर वो दोनों क्लस्टर एक साथ एक्टिव हो जाते हैं तो प्रदेशवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं। तो सरकार इस बारे में एहतियात रख रही है। लोगों से अपील की गई कि आप लोग भी खुद को सुरक्षित रखने के उपाय करें। लेकिन अब बेहतर बात इसमें क्या नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि अगर ये बरसात नहीं होती जिसके बारे में मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है तो छत्तीसगढ़ सूखे का शिकार हो सकता था। अब फसलों की बुआई का वक्त आ चुका है, किसान फसल की बुआई करेगा। अगर बारिश नहीं होती तो किसान को खासे मुश्किलों का सामना करना पड़ता और अनुमान ये था कि तकरीबन 40 से 45 फीसदी फसल के बर्बाद होने की आशंका थी। अब बारिश आ तो रही है, अब कितनी बारिश आती है ये हमें देखना होगा। हालांकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, बहुत ज्यादा खतरनाक येलो अलर्ट को माना नहीं जाता कि सामान्यतः जो पैटर्न देखा है येलो अलर्ट जब जारी किया जाता है उसमें ये रहता है कि थोड़ी परेशानी जरूर होती है लेकिन इतनी परेशानी नहीं कि बड़े पैमाने पर या किसी भी पैमाने पर जान माल का नुकसान हो। कई जगहों पर जलभराव हो जाता है, नदियां थोड़ा सा स्तर से अपने ऊपर आ जाती हैं, तालाब काफी ऊपर तक भर जाते हैं। ये सामान्यतः होता है येलो अलर्ट जारी किए जाने के बाद। वहां के किसानों से न्यूज स्टेट ने बात की, हमारे सहयोगी जो संवाददाता हमारी जगह जगह मौजूद हैं उनसे बातचीत की गई, स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई इसी अलर्ट को लेकर के। तो जब अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों ने यह कहा कि हम अलर्ट को देखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं, कोई भी मुसीबत प्रदेशवासियों के ऊपर नहीं आने दी जाएगी। किसानों से बात की तो किसानों के चेहरे पर हल्की सी शिकन जरूर थी कि अगर बारिश बहुत तेज आई तो क्या होगा, लेकिन वो थोड़ा आशावान भी थे कि जहां सूखा पड़ने की कगार पर है बारिश होती है तो खेती के लिहाज से कम बेहतर होगा। दूसरा ये कि आज अनुपूरक बजट आज छत्तीसगढ़ का पेश होने वाला है। सीएम भूपेश बघेल अनुपूरक बजट पेश करेंगे और अभी का अनुमान ये है कि तकरीबन 5,000 करोड़ का, 4,500 से 5,000 करोड़ तक का अनुपूरक बजट पेश हो सकता है। अनुपूरक बजट में होता क्या है दरअसल कि इससे पहले जो बजट पेश किया गया था, जो पूर्ण बजट था, उसमें जो योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं को लागू करने में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है या आपके पास फंड कम पड़ता है तो सरकार अनुपूरक बजट लेकर आती है। यही उम्मीद इस अनुपूरक बजट से भी है कि जो तमाम योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो घोषित की गई थी जिनमें कि किसानों को लेकर के कई योजनाएं हैं प्लस अब आप प्रॉपर्टी का शुल्क आधा करने जा रहे हैं तो इसके लिए सरकार को बड़े फंड की जरूरत होगी और इसी फंड की पूर्ति के लिए सरकार ये अनुपूरक बजट लेकर आ रही है। तीसरी बात करते हैं, बेमित्रा के जो कलेक्टर हैं शिखा तिवारी उनकी बात करेंगे। इस वक्त उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने जांच बैठाई है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें घोटाला हुआ था। इसके साथ साथ संजीवन सहायता कोष योजना जो है उसमें भी गड़बड़ी हुई थी और उस वक्त शिखा राजपूत तिवारी हेल्थ डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। अब वो बेमित्रा के कलेक्टर बन चुकी हैं लेकिन मामला संज्ञान में आने के बाद शिखा तिवारी के संदर्भ में भी तहकीकात लगातार जारी थी और अब उनको इसी घेरे में देखा जा रहा है कि जब वो तत्कालीन हेल्थ डायरेक्टर थी उस दौरान ये तमाम अनियमितता हुई है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं तो शिखा तिवारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। संभावना रहती है कि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी संलिप्तता हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उनका इन्वॉल्वमेंट हो, तो अब उनके ऊपर जांच बैठाई जा रही है। अब सवाल यह होता है कि चूंकि वो बेमित्रा में कलेक्टर के पद पर है और इतने बड़े पद पर रहते हुए आप संभावना रहती है कि आप अपने पद का उपयोग करते हुए दुरुपयोग करते हुए आपके खिलाफ जो जांच हो रही है उसको आप प्रभावित कर सके। अब सरकार का यह विवेक होगा कि सरकार उनको पद से हटाती है या नहीं हटाती। हालांकि इसमें सिर्फ राहत की बात यह है कि बेमित्रा कलेक्टर है, जांच जो होनी है वो रायपुर में होनी, एक अलग जिले में होनी है, तो अलग जिले में होने के बाद कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये भी देखना होगा। अब बात करेंगे जगदलपुर की। आपको याद होगा एक जगदलपुर एक्समेटा मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ की जांच करने के लिए सीबीआई की टीम अब पहुंच चुकी है। अब हुआ क्या था इसमें, साल 2013 17 मई साल 2013 की घटना है जबकि कुछ लोगों को मार दिया गया था, उनकी
उनका कहा गया था कि एनकाउंटर किया गया है, लेकिन ग्रामीणों की तरफ से उस मुठभेड़ को फर्जी बताया गया था। राज्य सरकार के स्तर पर जांच की गई और बाद में मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। तो सीबीआई की टीम वहां पहुंच रही है और जांच करेगी। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की भी हालांकि मौत हुई थी और 8 अन्य लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल हुए। जब सीबीआई पहुंच चुकी है, अब हम लोग देखेंगे, हालांकि शाम तक हल्का बहुत इशारा जरूर आएगा कि सीबीआई जांच को आगे कैसे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर भी है कि रायपुर पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। उनका जो सीधा उद्देश्य है रायपुर पहुंचने का, वो है सदस्यता अभियान को और मजबूत करना, क्योंकि बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है और उस समिति के अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान। तो उसी सदस्यता अभियान को सुचारू रूप से आगे चलाने के लिए शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं रायपुर। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस सदस्यता अभियान को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाया जाए। तो ये रही छत्तीसगढ़ की खबरें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे जो पहला मामला हम लोग जिक्र करेंगे, बखूबी याद होगा आपको, बल्लेबाज विधायक मध्य प्रदेश के इंदौर टीम से विधायक आकाश विजयवर्गीय, जिनके ऊपर यह आरोप था, ये तस्वीरें सामने आई थी कि निगम अधिकारियों के ऊपर बैट से हमला कर रहे थे। तकरीबन 22 दिन पुरानी ये बात है। न्यूज स्टेट ने सैकड़ों सवाल पूछे थे इस मामले में, बीजेपी नेताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से, प्रदेश प्रवक्ताओं से और खासकर प्रदेश अध्यक्ष से भी, और केंद्रीय जो नेता हैं उनसे भी पूछे गए थे। सबका तकरीबन एक ही हिस्सों में जवाब आया था, जो आप कह सकते हैं कि उनको लबोलुआब जो सबके जवाब में रहा था वही था कि उनकी मंशा ठीक थी, अपनी आवाम का, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन तरीका गलत हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में नाराजगी जताई थी, उनकी नाराजगी जताने के बाद उम्मीद थी कि आकाश विजयवर्गीय के ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कुछ दिन तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। कुछ दिन पहले वो प्रदेशाध्यक्ष से मिलते हैं, राकेश सिंह से मिलते हैं, आकाश विजयवर्गीय मौखिक रूप से कहते हैं कि माफी मैं मांगना चाहूंगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। और आज ये खबर है कि लिखित रूप में माफी मांगी है आकाश विजयवर्गीय ने। अब आपने लिखित रूप में माफी तो मांग ली है, अब सवाल ये उठता है कि एक विधायक जो कि निगम कर्मचारियों के ऊपर बैट से हमला करता है, उस विधायक के जो समर्थक हैं वो निगम कर्मचारियों के ऊपर जूतों से हमला करते हैं, उस विधायक के जो समर्थक हैं वो निगम कर्मचारियों के कपड़े फाड़ देते हैं, 22 दिन बाद वो विधायक माफीनामा लिखता है, प्रदेश बीजेपी इस माफीनामे से संतुष्टि उनको मिल जाएगी, या फिर जो पार्टी खुद को चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी कहती है, शुचिता की राजनीति करने वाली पार्टी कहती है, एक आदर्शवादिता की मिसाल गढ़ने वाली पार्टी कहती है, वो पार्टी ऐसे कारगुजारी करने वाले विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ संदेश दे चुके हैं कि चाहे कोई भी नेता हो, आप किसी के भी बेटे हो, ऐसी कारगुजारी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सुमित्रा महाजन भी कह चुकी हैं कि ये चीज बेहद गलत है, किसी भी व्यक्ति की ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब कार्रवाई होती है कि नहीं होती आकाश विजयवर्गीय के ऊपर, ये देखना होगा। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपका विवेक क्या कहता है कि आकाश विजयवर्गीय के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या बताएं। क्योंकि एक संदेश ये भी जा रहा है कि चूंकि आकाश विजयवर्गीय कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब जो पार्टी कहती है कि हमारे यहां परिवारवाद नहीं चलता, अगर परिवारवाद ही कारण होता है कि उनके गलत को सही ठहरा दिया जाता है, तो फिर बाकी पार्टियों में जिनके ऊपर परिवारवाद का प्रत्यक्ष आरोप है और बीजेपी में फर्क क्या रहा, यह भी बीजेपी को स्पष्ट करना होगा। दूसरी बात करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस की, जहां एक कहावत आपने सुनी होगी कि सैया भय कोतवाल तो डर का आएगा, यानी कि अगर आपका कोई अपना ताकतवर आता है, सत्तानशी होता है, तो उसके जो और रिश्तेदार होते हैं उनको पुलिस व्यवस्था का डर रह नहीं जाता। ऐसा ही मामला सामने आया आरिफ अकील जो कि मंत्री हैं, उनके भाई आमिर अकील का। हुआ ये कि उनका किसी प्रकरण में जो कि 307 यानी हत्या की साजिश का, हत्या की कोशिश का मुकदमा है, उनके ऊपर दर्ज था। जब चालान पेश किया जाता है तो उसमें उनका नाम हटा दिया जाता है। तारीख आपको बता देते हैं, 28 नवंबर 2018 को आमिर अकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और 26 फरवरी को चालान पेश हुआ था। अब ये खबर सामने है कि 26 फरवरी को जो चालान पेश हुआ था उसमें आमिर अकील का नाम है नहीं। अब पुलिस जांच में क्या आमिर अकील को निर्दोष ठहरा दिया गया, या फिर कहीं मजिस्ट्रेट ऑर्डर सामने आ गया कि आरिफ अकील इस मामले में आरोपी नहीं है,
या फिर ये मंत्री का भाई होने का इनाम उनको मिल गया है? ये तीनों सवाल हैं। हालांकि आप आवाम हैं, सबसे ज्यादा और बेहतर निर्णय आप लोग कर सकते हैं। बताइएगा जरूर कि अगर एक मंत्री के भाई के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो और चालान जब कटे तो चालान में उसका नाम ना हो तो इसके पीछे की वजह क्या निकाली जाए। हालांकि अमीर अकील भी इस बारे में सफाई दें तो हमें कोई गुरेज नहीं होगा, वो खुद बता देंगे उनका नाम यहां से कैसे हट गया, या आरिफ अकील बता दें कि भाई का नाम कैसे हट गया, हटवाया गया है, ये कानून ने उनको निर्दोष मान लिया है। अगला जो मामला आता है मध्य प्रदेश का ही, वो आता है विधानसभा का। आज भी हंगामे के पूरे पूरे आसार है और खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को जरूर घेरा जाएगा। हाल ही के दिनों में जो अपहरण की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई हैं, एसिड अटैक के मामले हुए हैं, ये तमाम वो मामले हैं जो कि प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल निशान खड़े करते हैं, उनके इकबाल के ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि अगर प्रदेश में आपकी सरकार है, आप कहते हैं कि प्रदेश में आप बेहतर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम क्यों नहीं हो पा रहा। अब इससे जुड़ी हुई एक हैरान करने वाली तस्वीर आपको सामने मैं बताता हूं आपको कि आज हुआ है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर भी मारपीट हुई है बदमाशों के द्वारा। बदमाशों ने मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस वालों से मारपीट की, मारपीट इतना की कि उनमें से 3 पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। और मारपीट तक बदमाश नहीं रुके, उनकी राइफल ले जाते हैं, उनका टॉकबैक ले जाते हैं, वायरलेस सिस्टम ले जाते हैं। ये हालात हैं पुलिस व्यवस्था के मध्य प्रदेश में। सिर्फ आम लोग पीड़ित नहीं है बल्कि जिन लोगों के ऊपर आम लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है वो लोग खुद असुरक्षित है। तो ये प्रकरण है जो कि बीजेपी उठाना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी शायद विपक्ष की भूमिका पर रहते हुए इसको उठाएगी। अब कांग्रेस डिफेंसिव कहां हो सकती है इस मामले को लेकर के? कांग्रेस अपना मुद्दा उठा सकती है आकाश विजयवर्गीय को लेकर के, क्योंकि पहले भी हुआ था कि जब गोपाल भार्गव ने सदन में मामला उठाया था कानून व्यवस्था का, तो जो डिफेंस दिया गया था सरकार की तरफ से वो आकाश विजयवर्गीय प्रकरण को लेकर हुआ था। प्रकरण गलत हुआ है, जो हुआ निगम कर्मचारियों के साथ आकाश विजयवर्गीय जिस तरीके से हरकत की वो सही नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन ये क्या सरकार का सेफर एस्केप बन सकता है? क्या सरकार के लिए ये एक शैडो की तरह काम कर सकता है? क्या आकाश विजयवर्गीय प्रकरण सरकार की ढाल बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ढाल बनाने के लिए आपको अपने बेहतर काम सामने रखने होंगे। किसी और की कमियों को सही करने के लिए सर्टिफिकेट काम नहीं कर सकती है। ये वो खबरें रही जिनके ऊपर तमाम लोगों का फोकस होना चाहिए। अब एक अच्छी खबर सामने, वो अच्छी खबर ये है कि भोपाल में अब मंदिर के जो पुजारी होते हैं, पुजारी समिति ने एक फैसला लिया है, और फैसला ये है कि मंदिरों में अब से प्रसाद नहीं मिलेगा आपको, मंदिरों में अब से प्रसाद की जगह आपको पौधा दिया जाएगा। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए मेरे लिहाज से बहुत अहम कदम है, एक बहुत स्वच्छ, बहुत सुंदर, बेहद स्पष्ट संदेश भी है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई प्रकृति को आप सहेजें, सुरक्षित रखें, उसका ख्याल रखें, इससे बेहतर आप प्रसाद आपका क्या हो सकता है। क्योंकि आप ये पंच तत्व से कहा जाता है कि हमारा शरीर बना होता है, और उन्हीं पंच तत्वों का आप ख्याल रखेंगे, अपने इस पर्यावरण का ख्याल रखेंगे, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप पौधे लगाएंगे तो भूमि के अंदर जो भूजल स्तर है वो बेहतर होगा, आप साफ हवा में सांस ले पाएंगे, आपके पास पास हरियाली रहती है तो चित्त और मन प्रसन्न रहता है, पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये अच्छी खबर थी, और ये हमारी तरफ से आप सब लोगों से भी अपील रहेगी कि पर्यावरण की दशा जिस तरीके से दिनों दिन खराब होती जा रही है, आपको और हमें उसके लिए मिलकर कोशिश करनी होगी, क्योंकि सिर्फ सरकार कुछ करे संभव नहीं है, क्योंकि अकेले सरकार के बूते बस की बात नहीं है कि वो पर्यावरण जैसे संवेदनशील और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर जन सहभागिता के बिना, हमारे और आपके सहयोग के बिना कुछ भी कर पाए। तो आपको और हमें मिलकर ये प्रण लेना होगा कि पर्यावरण के संबंध में हम लोग जितना बेहतर कर पाए वो तमाम बेहतर चीज करेंगे। पेड़ों को कम से कम काटने की कोशिश की जाएगी, कोशिश की जाएगी एक भी पेड़ ना काटा जाए, क्योंकि अगर आप एक पेड़ काटते हैं, बड़ा व्यस्त पेड़ काटते हैं, और उसकी जगह आप 4 पौधे लगा भी देते हैं, तो जितना वो व्यस्त पेड़ ऑक्सीजन पैदा करता है या जितना वो काम करता है, बाकी पेड़ों को उस अवस्था में पहुंचने के लिए 10 से 15 साल का वक्त लगेगा। एक पेड़ को बड़े होने में अनुमानतः 10 से 15 साल का वक्त लगता है, यानी पर्यावरण की जो सुरक्षा थी उसको आप कुछ हद तक 15 साल पीछे खींच लाए हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या पेड़ लगाएं, और पानी जिस तरीके से आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश में कई जगहों पर पानी की कितनी किल्लत हुई, बचाकर चलेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक बेहतर समाज और एक बेहतर पर्यावरण स्थापित कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो अपील आपसे रहेगी कि आप फेसबुक पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
YouTube पर देख रहे हैं आप अगर इस वीडियो को, तो आपसे अपील रहेगी कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि न्यूज स्टेट के माध्यम से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें आप तक बिना किसी रुकावट के सबसे पहले पहुंचते रहें।